आचार्य जी, आपका बहुत बहुत राधे राधे। स्वागत है दैनिक जागरण में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीधा, क्योंकि आप कथा वचन करते हैं, वहां से सीधा एंटरटेनमेंट और वो भी लाफ्टर शो में कैसे आना हुआ आपका, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। लाफ्टर शो में ये प्रोग्राम क्या है, सबको परिवार को परिवार से जोड़ने का प्रोग्राम है। तो आज भारत में क्या है, रिश्ते टूट रहे हैं, और यदि रिश्ते टूट रहे हैं और उसके लिए कलर्स टीवी यदि प्रयास कर रही है, लाफ्टर शो प्रयास कर रहा है कि हम परिवार से जुड़ के रहें, तो बिल्कुल उस कनेक्टिविटी के लिए यदि मुझे बुलाया गया, मुझे लगा कि चलिए मेरा भी कोई योगदान हो जाए समाज को कनेक्ट करने में। कलर्स का इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो क्यों ना हम अच्छे लोगों का साथ दें। तो कलर्स का जो कार्य है सराहनीय है, इसलिए हमें ये शो जो यहाँ पर फ्राइडे को रात्रि के 10 बजे जो प्रसारित होगा, हम सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस शो सारे देश को कनेक्ट कर देता है। तो मुझे लगा कि जहाँ हम धर्म को कनेक्ट कर सकते हैं, भक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं, खेल खेल में हंसते हंसाते, यदि हम सबको हंसाते हंसाते कोई बढ़िया बात कह दें, हम बढ़िया बिल्कुल बातों से लोगों को जोड़ दें और वो समाज के लिए प्रेरणा बन जाए, सीख बन जाए, तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम अच्छा और हमें जाना चाहिए, और इनका प्यार मिला। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? बिकॉज वहां पे तो खाना बनाते हैं और ऐसे शेफ है हमारे जो खाना बना रहे हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें कुछ खाने के बारे में मालूम नहीं है, तो आपने भी उनकी मदद की कुछ? उन्होंने बनाया और बहुत अच्छा बनाया। वो सारे लोगों ने वहां सुंदर सा भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया, जन्माष्टमी का, और उसमें बिल्कुल भगवान के लिए उन्होंने प्रसाद बनाया और सबने प्रसाद का प्रेम पूर्वक भोग लगाया, और बहुत अच्छा बनाया। सबके साथ जुड़ के ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। ये बात आपने ठीक कही कि उनको आता नहीं है बनाना, फिर भी उन्होंने जैसा बनाया अच्छा था। तो आपको खाना बनाना आता है, क्योंकि आप कोई लाफ्टर शेफ में जाता है, वो एक्टर्स भी गए तो भी उनसे पूछा गया, क्या आप खाना बनाना जानते हैं महाराज जी? हाँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ भोजन बनाना सिखाया जाता है, तो मैं बिल्कुल बनाता हूँ। बिल्कुल। 500 लोगों का मैं अकेले बना सकता हूँ भोजन। तो अच्छा, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट है ना, आप क्योंकि आपको किसी एक से मिलके, मतलब कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जो बहुत ही अच्छा लगा हो मिलके, एकदम से आपकी भी वाइब उनसे मिली हो? मैं सबसे ही मिला, और वहां प्रोग्राम में जब मैं गया तो कृष्णा भारती स्वदेश जी और जितने भी थे वहां पर, सभी बहुत अच्छे थे, और सबको मिलकर के ऐसा लगा कि हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना अच्छा वो प्रोग्राम था और इतनी पॉजिटिविटी थी वहां पर कि पूछ ही मत। क्योंकि जो हमारे शेफ हैं, जो हमारे जज हैं हरपाल जी, उनका खाना, वो जब भी किसी का खाना टेस्ट करते हैं तो उनकी जुबान की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो कोई एक ऐसी जोड़ी जिसका खाना खा के आपकी जुबान की बल्ले बल्ले हो गई हो? हाँ, वहां पे प्रसाद जो बना ना, सभी का मैंने चखा, लगभग सभी का ही अच्छा था, पर कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कौन से वहां कंटेस्टेंट का सबसे अच्छा जो आपको लगा हो कि नहीं यार, सुबान की बल्ले बल्ले हो गई आज से? कुंद्रा इंदिरा साहब का था, प्रसाद साहब का था। भैया था। अच्छा, फिर उसमें शो में एक चीज और है, क्योंकि शेफ भी है और लाफ्टर भी है, दोनों का मिश्रण है इस शो में। तो जो कृष्णा अभिषेक हैं, जैसे आपने बोला उनसे मिलके अच्छा लगा, वैसे तो वो सबकी खिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि हम शो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो हमें पता है कि जो भी गेस्ट भी आए तो वो उनकी भी खिंचाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसा था, क्या वो आपसे थोड़े बहुत डरे सहमे रहे, नहीं यहाँ नहीं करना है, या आपने उनकी खिंचाई की हो थोड़ी बहुत? नहीं, स्वदेश जी से तो बाद उन्होंने कहा कि हमें तो विवाह करना है, तो मैंने कहा एक्सपायरी डेट में भी विवाह करना है आपको, तो यहीं से शुरुआत हुई शो की। तो अच्छा लगा, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा था। उन्होंने खिंचाई नहीं की, लेकिन जो अच्छा, जिसमें सब लोग हंस पाए, सबको हंसा पाए, वो सारी बातें थी वहां पर, सब कुछ अच्छा था। एक कंटेस्टेंट और हैं जो कृष्णा की जोड़ी है, रह चुके हैं, सुदेश सुदेश सैनी। तो वो जो है शो में हमेशा देखा जाता है निया के पीछे लगे रहते हैं, कि निया से बहुत प्यार है। तो आए आपके पास कोई टिप लेने की, बाबा जी मुझे बताइए कैसे मैं निया को पटाऊं, कुछ ऐसा उन्होंने बोला? वही तो बोला, तो मैंने कहा कि एक्सपायरी डेट में भी प्यार हो रहा है आपको। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ जैसे मैंने बोला कि कंटेस्टेंट कुछ ऐसे हैं जिन्हें ना खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, तो और कुछ तो ऐसे जिन्हें मसालों के नाम भी नहीं पता है, जैसे कश्मीरा है, वो हल्दी को अदरक बोल देती है। तो आपको क्या, जब
ये लेने जा रहे थे किचन से सामान, क्या आपको डर लग रहा था कि भाई इस कंटेस्टेंट के हाथ का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ? नहीं, सब वहां उस दिन ना क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, तो वहां सबको भगवान के लिए प्रसाद बनाना था, और फिर प्रसाद में तो फिर स्वाद होते ही नहीं है, प्रसाद तो प्रसाद है, देखने नहीं था स्वाद उसमें, तो प्रसाद देखना था। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि अब आप कलर्स के परिवार से जुड़ चुके हैं, यहाँ शो पे आ चुके हैं, लाफ्टर हो गया, हंसी हो गई, आपके कथा वचन हमने सुने, लेकिन क्या अब हम आपको सलमान खान के शो बिग बॉस में देख सकते हैं? बिकॉज कई कई लोग होंगे जो आपको देखना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे प्रेरित होना चाहेंगे, तो क्या बिग बॉस में आने का मन बना रहे हैं? बिग बॉस 18 में पार्टिसिपेट करने गए या कुछ? बिग बॉस की तरफ से भैया ने कहा था कि आप चलिए, तो उन्होंने ऑफर दिया था हमें, लेकिन चूंकि अभी उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ बिग बॉस में आने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो मेरे माहौल से मैच नहीं करता। तो जहाँ मेरे प्रकार का माहौल मिलेगा, आध्यात्मिक माहौल, धार्मिक माहौल, भक्तिमय माहौल, अच्छी बातों का माहौल मिलेगा, तो विचार कर सकते हैं। अभी मेरा कोई विचार नहीं है वहां जाने का, क्योंकि जब शराबी शराबियों के पास जाता है, गंजेड़ी गंजेड़ियों के पास जाता है, तो मेरा जो माहौल है वो धर्म आध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो जहाँ वो माहौल मिलेगा तो मैं वहां विचार कर सकता हूँ, पर अभी वो गाली गलौज का माहौल रहता है वहां पे, तो मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरीके के शोज में, मतलब जैसे लाफ्टर शेफ जैसे शोज में हम आपको आगे भी देखते रहेंगे? हाँ, यदि यहाँ पे, ये तो अच्छा है, ये तो पारिवारिक शो है, ये तो बिल्कुल अच्छा है, तो यहाँ तो जाने में बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ जाने के लिए, बाकी बिग बॉस के लिए अभी मैं तैयार नहीं। नहीं है। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको देखती है, जो आपके प्रवचन सुनती है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? और लाफ्टर शेफ के लिए भी कुछ अगर आप कहना चाहें, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग शो है, लोग हंसते हैं शो को देखे, खुश होती है फैमिली, कई लोग देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लास्टली जागरण के बहुत दर्शकों अच्छा को? शो है और हम सबको ये शो जरूर देखना चाहिए, केवल यही शो मुझे ऐसा लगा जो पूरे परिवार को कनेक्ट कर देता है। और एक बात और है, जब इस शो को कोई देखता है ना तो उसके मुंह में पानी आता है, क्योंकि बार बार खाने की बातें होती हैं, रात के 10 बजे शो आता है, तो वैसे भी लोग खा चुके होते हैं, तो यदि कोई नहीं खाता तो उसके पानी आता है मुंह में कि भाई मैं भी थोड़ा खाऊं, मैं भी थोड़ा चखूं, तो ये हंसते हंसाते बहुत अच्छा शो है जो हम सबको देखना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो बात कही जाती है कथा से, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था ना कि बिस्कुट, मतलब ये बिस्की किट है, बिस्किट मीन्स बिस्की किट, इसलिए नहीं खाना चाहिए, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अभी देखिए महाराष्ट्र में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के, इसलिए जो कहा था उसे मान लेना चाहिए, जो कहा जाए ना वो आपके भले के लिए कहा जाता है, इसलिए उसे मानना चाहिए। आप देखिए हर मजाक तो फिर हर चीज का बनाया जा सकता है, माँ बाप ज्ञान देते हैं बच्चों को, बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटा ये मत करो, तो वो बच्चों की भलाई के लिए होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना आज की भलाई के लिए होता है, पर अच्छी बातों को मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिरल, थैंक यू।